दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अपने कामकाज और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहारे सत्ता में वापस की उम्मीद लगाए हुए है, तो बीजेपी केंद्र सरकार के काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर जीत की कवायद रखता है। यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे के बजाय सामूहिक और केंद्रीय नेतृत्व के सहारे चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। दरअसल दिल्ली के चुनाव संग्राम में बीजेपी को मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ उतरने का दांव कभी नहीं सुहाया। दिल्ली में 1993 से लेकर 2015 तक 6 विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी इनमें से 5 में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ मैदान में उतरी थी। उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में महज एक बार बीजेपी ने सीएम फेस की घोषणा नहीं की थी, तो तब दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इसलिए पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की घोषणा करने के बाद केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के सह प्रभारी हरदीप पुरी पलट गए थे और इसे वापस ले लिया था।